हेलो चिल्ड्रन, आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 का सेक्शन ए, जिसका फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग। प्रीवियस वीडियो में हमने एमसीक्यू और ट्रू और फॉल्स किया था, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, एनिमल्स इन हर्ड यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर डैश। तो एनिमल्स जो हैं वो झुंड बना के एक हर्ड में मूव करते हैं, वो किसकी खोज में जाते हैं? तो वो लोग अपने खाने के लिए खोज में जाते हैं कि कुछ फूड मिल जाए तो वो लोग खा लें, तो वो फूड के सर्च के लिए निकलते हैं। तो आंसर होगा फूड ब्लैंक में। सेकेंड, मेल एलिफेंट लीव इन द हर्ड टिल दे आर डैश ईयर्स ओल्ड। तो हमने अपने चैप्टर में देखा कि एक हर्ड में जो फीमेल एलिफेंट्स होते हैं, बेबी एलिफेंट्स होते हैं, तो जो बेबी एलिफेंट्स होते हैं, जो मेल होते हैं, वो जब 14 to 15 ईयर्स के हो जाते हैं तो वो उस हर्ड को छोड़ के चले जाते हैं कहीं और अकेले। तो पूछा गया ये है कि जो मेल एलिफेंट्स होते हैं वो हर्ड में कितने ईयर्स तक की एज में वो लोग रहते हैं? तो आंसर है 14 to 15 ईयर्स ओल्ड। 14 to 15 ईयर्स के बाद वो हर्ड को छोड़ देते हैं, तो आंसर 14 to 15। थर्ड ब्लैंक, एन एलिफेंट हर्ड हैज 10 to 12 फीमेल मेंबर्स आर एंड डैश। तो बताना है कि एक एलिफेंट हर्ड में 10 से 12 क्या होते हैं? फीमेल मेंबर्स होते हैं, और कौन होते हैं उसमें? मेल एलिफेंट्स नहीं होते हैं जो बड़े हो जाते, बड़े हाथी नहीं होते, हथनी होते हैं, और हथनी जो होती हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो मेल हो या फीमेल हो, वो यंग वंस उनके होते हैं। तो अन एलिफेंट हर्ड हैज 10 to 12 फीमेल मेंबर्स एंड यंग वंस, यानी उनके बच्चे होते हैं। तो ब्लैंक में यंग वंस लिखेंगे। नाउ मैच द फॉलोइंग देखेंगे। फर्स्ट है ट्रम्पेट, an adult elephant can eat, elephant sleep for a herd. तो trumpet जो है, trumpet means क्या होता है? trumpet means जो होता है, तो जो trumpet होता है वो होता है sound of elephants. elephant जो sound करते हैं ना, उसको trumpet कहा जाता है। now an adult एलिफेंट कैन ईट, जो एलिफेंट एडल्ट एलिफेंट होते हैं वो क्या खाते हैं वो हमें बताना है। तो एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट 100 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विक्स। तो वो 100 kg तक वो पत्ते, पेड़ों के पत्ते और उनकी डालियां खा जाते हैं। एलिफेंट स्लीप फॉर, एलिफेंट कितने घंटे सोते हैं 24 आवर्स में? तो हमने ये भी देखा कि एलिफेंट 2 to 4 आवर्स ही सोते हैं एक दिन में। और हर्ड किसे कहा जाता है? ग्रुप ऑफ एलिफेंट। तो एलिफेंट का जो ग्रुप होता है उसे हर्ड कहा जाता है। तो आंसर है 1 का C, 2 का D, 3 का A एंड 4 का B। ओके, तो अच्छी से हैंडराइटिंग में समझते हुए वर्क कंप्लीट करिएगा। थैंक यू।